Good morning, dear student. Student, today we are going to solve question number 7 and 8 of exercise 1.3. And question number 7, write three numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-repeating. That means non-recurring. There are three numbers as we have to write karne hai, jinka decimal expansion non-terminating and non-recurring. Terminate bhi na ho, repeat bhi na ho raha. तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन आपके कैसे हो सकते हैं, आप ऐसे देखिए, कोई भी नंबर ऐसे 0.20 ऐसे राइट कर दीजिए, 0.20 फिर से इसी नंबर को राइट कीजिए, बट इस टाइम आप 00 राइट कर दीजिए, 2 के बाद 000, 2 के बाद 40, ऐसे 2 के बाद 1 2 3 4 5 0, ऐसो आ ये नंबर आप देखिए कहीं पर भी आपको रिपीट होते हुए नहीं दिखेगा। रिपीट होता अगर तो 0.20 20 20 20 ये होता, और टर्मिनेट होता तो यहीं पे एंड हो जाता, आगे आपका एक्सपेंशन ही ना बढ़ता। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर, और ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इररेशनल नंबर। तो ये आपका है इररेशनल नंबर। सेकंड, आप कोई भी ऐसे राइट कर सकते हो 0.10 100 1000 140, ऐसे वाला। थर्ड नंबर आप राइट कर सकते हो 0.57057005700, ऐसे वाला। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड थ्री इरेशनल नंबर्स, फाइंड थ्री इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 and 9/11। आपके पास टू रेशनल नंबर्स है 5/7 and 9/11, और इनके बिटवीन, इनके बीच के थ्री इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले इनको हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे। तो इनका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, तो 5/7 = आप 7 से 5 को पहले डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर डायरेक्ट डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल यूज करेंगे। यहाँ पे 0 7 7 49 and 1 0 7 7 again 3 and 0 7 4 28, ऐसे आल ऐसे ही होता रहेगा आपका। सो आप यहाँ पे ओनली 5/7 = राइट कर लीजिए 0.71, इतना राइट कीजिए और मत राइट कीजिए। अब 9/11 = क्या होगा, 9/11 = क्या होगा, क्योंकि हमें तो इन दोनों के बीच के इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन चेंज कर लिए, 0.714 ऐसे समथिंग होगा, तो हम इस नंबर को इग्नोर कर देंगे। अभी देखिए, अब 11 से हम 9 को डिवाइड करेंगे, सिंपल सा रूल होता है, ये सबसे सिंपल है, ये रेशनल नंबर से भी सिंपल है। तो यहाँ पे 0 लगाया, 11 8 88 2 0 11 1 11 and 9 again, ये रिपीटिंग नंबर है, तो इसको हम लोग राइट कर देंगे 0.81 बार। ओके, मे बी यहां पर भी रिपीट होगा, बट आगे हमें करने के बाद होगा। अब हम देखिए इन दोनों के बीच के इरेशनल नंबर्स फाइंड करना चाहते हैं, दैट मीन 0.72 से बड़ा हो, 0.71 से बड़ा हो, 0.72 हो सकता है, और 0.81 से छोटा हो। तो 0.71 से बड़ा, 71 से बड़ा क्या हो जाएगा, 0.72 हो जाएगा, 0.72 हो जाएगा। और ऐसे इसी रूल को अप्लाई करो, 10 7 2 00 7 2 000, ऐसे हुआ। ये फर्स्ट इरेशनल नंबर हो गया, एंड सेकेंड इरेशनल नंबर। अब इसके आगे आप बढ़ते जाओ, 0.73 भी राइट कर सकते हो, 0.74 भी राइट कर सकते हो, 0.75 भी राइट कर सकते हो, तो हमें तो 3 ही राइट करना है, तो 3 राइट करेंगे हम लोग, 7500 7540, ऐसे ही हम राइट करेंगे स्टूडेंट। इससे छोटा होना चाहिए, इसलिए अब इस बार हम लोग राइट कर लेते हैं 0.79 0 7 9 00 7 9 00 and 7 9 40, as well. ये आपके थ्री इरेशनल नंबर्स हो गए बिटवीन 5/7 and 9/11। अभी इनके बीच में आप ढेर सारे फाइंड कर सकते हो इरेशनल नंबर, बट ये हो गए आपके स्टूडेंट।